इस तरह का प्रोग्राम था ये सर। ये आज मालवीय जी की पुण्यतिथि है, आप जानते हैं, और कभी पुण्यतिथि है। मालवीय जी का देहांत 12 नवंबर 1946 को हुआ था। तो विश्वविद्यालय अनेक आयोजन करता है, और आप जानते हैं कि मालवीय जी ने ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था बनाई, ये न केवल हजारों करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, बल्कि देश के लिए भी राष्ट्रभक्त जो युवा हैं उनको तैयार करती है। मालवीय जी ने जो संकल्प लिया था, तो हम लोगों ने भी सोचा कि मालवीय जी ने संकल्प लिया है, उस संकल्प के लिए हम लोग भी संकल्प लें। इसलिए हमारे विभाग के समाजशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाज कार्य का भी हमें कोर्स चलता है। उन छात्रों ने पहल की कि सर हम लोग उस दिन जो है विश्वनाथ मंदिर में बहुत सारे दीप दान करना चाहते हैं, मालवीय जी के नाम पर पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हैं, गीता पाठ जो मालवीय जी को प्रिय था वो करना चाहते हैं, और फिर हम लोग संकल्प लेना चाहते हैं कि जिस तरह के युवाओं की कल्पना मालवीय जी ने की थी उस तरह हम युवा बनने की कोशिश करें। और जो मालवीय जी के जितने भी आदर्श थे, मालवीय जी ने जितनी भी चीज़ों की अपेक्षा की थी युवाओं से, उसके अनुरूप हम लोग बनने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज के दिन हम लोग यहाँ पर आ करके मालवीय जी के नाम पर न केवल दीप दान करते हैं, बल्कि उनसे प्रेरित होने का संकल्प भी लेते हैं, और यह कोशिश करते हैं कि जिस तरह से मालवीय जी ने एक विशाल भारत की संकल्पना करते हुए उसमें युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका को माना था, उसके अनुरूप हम लोग युवाओं को तैयार करते हैं। तो आप जानते हैं पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा संकट है, शिक्षा तो सभी दे रहे हैं, मशीनीकरण के युग में मशीन की तरह शिक्षा अध्यापन भी दे रहा है, मशीन की तरह छात्र भी पढ़ रहा है, लेकिन जो चरित्र का निर्माण होना चाहिए, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है आज के इस देश में, उसके अनुरूप हम लोग विद्यार्थी को तैयार कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग के प्रणाम स्वरूप मदन मोहन मालवीय जी हैं, राजीव मालवीय जी को सच्चे अर्थों में जिस तरह से श्रद्धांजलि यहाँ कर।